जय श्री कृष्णा मैम। ये सब क्या है मैम? वो घर पे पूजा थी ना, इसलिए पापा ने तिलक लगाया है। तो पूजा पाठ तो घर पर था ना, ये तो स्कूल है, हटाओ इसे अभी। लेकिन मैम। क्या लेकिन वेकिन? ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ ऐसे आओगे और बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तुम्हें वही फॉलो करने होंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और तुम क्या कर रही थी एंट्री पर? चेक नहीं कर सकती हो कि बच्चे कैसे एंटर कर रहे हैं स्कूल में? I'm sorry ma'am, मैं इसे रोकने जा रही थी। क्या क्या एक्सक्यूजेस दोगी तुम? तुम्हें यहाँ सैलरी किस नाम की मिलती है? देखोगी ना कि बच्चे वेल ड्रेस्ड होकर स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नीट एंड क्लीन है कि नहीं है। I'm sorry ma'am, next time से ऐसा नहीं होगा। मैम मैंने सिर्फ तिलक ही तो लगाया है, इसमें गलत बात क्या है? और मेरे पापा कहते हैं तिलक लगाना अच्छी बात होती है। हाँ अच्छी बात होगी, लेकिन ये सब घर पर करो, स्कूल में नहीं। यहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वही फॉलो करने होंगे। और तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना नहीं आता है क्या कि कुछ भी बोल दोगी? मुझे गुड मॉर्निंग के अलावा और कुछ नहीं सुनना है, समझी तुम? मैम लेकिन घर पे तो हम सब जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। ये किस जाहिल गवार की बेटी है? मुझे तो लगता है कि ये स्कॉलरशिप वाले कोटे से यहाँ आ गई है, वरना इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन कैसे हो सकता है? मुझे पता करके बताओ। I'll check, ma'am, you are right. ये ऐसे नमूने हमारे स्कूल में कैसे आ जाते हैं? एक काम करो, EWS और स्कॉलरशिप वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, मुझे उन सबके नाम और पता चाहिए। ऐसे तो फिर सरकारी स्कूल में और हमारे इतने बड़े स्कूल में अंतर ही क्या रह जाएगा? जब ऐसे ही बच्चे हमने एडमिट करने, तो इन सबको स्कूल से निकालूंगी मैं। मैम आप प्रिंसिपल हैं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? कितनी बदतमीज बच्ची है ये, कुछ भी बोले जा रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं है प्रिंसिपल की भी। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे बोलना है और कैसे नहीं बोलना है? मुझे तो इसके पेरेंट्स ही जाहिल और गवार लग रहे हैं, जो अपने बच्चे को वेल मैनर तक नहीं सिखा सकते हैं। मैम मुझे तो लगता है इसके पेरेंट्स किसान है, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मैम आप मेरे पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ दिख रहा है कि कितने अच्छे होंगे, तभी तुम्हें ऐसी तमीज सिखाई है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ये और बच्चों को भी गंदा कर देगी। मैम बेल बज गई है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। एक मिनट, तुम्हें परमिट किसने किया है क्लास में जाने के लिए? और हाँ क्लास में अगर जाना है तो पहले ये सब हटाना पड़ेगा, आई बात तुम्हारी समझ में? मैम मैं ये नहीं हटाऊंगी। बदतमीज, तुम इसके पेरेंट्स को बुलाओ, अब मुझे उन्हीं से बात करनी है। ओके मैम मैं इसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाती हूँ। और तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे नहीं हटाओगी, और वहाँ मुझे बताना कि बच्चों पर मेरे बिहेवियर का क्या असर पड़ेगा, है ना? चलो तुम ऑफिस में, मैं देखती हूँ कैसे नहीं हटाएगी। मैं जान सकता हूँ आपने मेरी बेटी को क्लासरूम में एंटर क्यों नहीं होने दिया? एक मिनट, मैंने आपको बैठने के लिए अलाउ किया, वहीं खड़े हो जाइए। जिसके पेरेंट्स ऐसे होंगे तो उनका बच्चा भी कैसा होगा। क्यों क्या हुआ? क्या सिखाया आपने अपने बच्चे को, इन्हीं से पूछ लीजिए जरा। क्या हुआ बेटा बताओ? ओ पापा मैम तिलक हटाने के लिए कह रही हैं। जब मैंने उन्हें जय श्री कृष्ण बोला तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजें स्कूल में नहीं बोल सकते। पापा ये गलत होता है क्या? नहीं बेटा आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने एकदम सही किया है। हाँ कुछ गलत नहीं है, पर ये आपका घर नहीं है, आपका खेत नहीं है कि जो भी मन करेगा वही करोगे। ये मेरा स्कूल है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। आप जैसे पेरेंट्स स्कॉलरशिप के कारण बच्चों को एडमिशन तो दिला देते इन हाई फाई स्कूल्स में, पर वो स्टैंडर्ड्स तो मैच नहीं कर पाते ना। एक्सक्यूज मी मैम। तुम चुप रहो, देख रही हो ना बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को कैसे सीधा करना है। आप शायद यहाँ नई प्रिंसिपल आए हैं, आपको पता नहीं आप किससे क्या बात कर रहे हैं। मैं चाहे नई हूँ या पुरानी, पर तुम तो वही हो ना लुंगी वाले किसान। मेरे स्कूल में अगर इस बच्चे को पढ़ाना है तो मेरी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम आपके हिसाब से ना चले तो अपनी बच्ची का TC लीजिए और जाइए यहाँ से, किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। वैसे भी आप लोग इस स्कूल को सूट नहीं करते, इस बच्ची का TC लाओ और निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। I'm sorry ma'am, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप शायद इन्हें जानते नहीं हैं, ये मिस्टर मंडल हैं, यहाँ के ट्रस्टी, और सिर्फ यहाँ के नहीं ऐसे कई स्कूलों के ट्रस्टी हैं ये। और इन्होंने यहाँ पे अगर पैसे नहीं दिए होते ना तो हमारा ये स्कूल कब का बंद हो चुका होता। और मैं आपको कब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। I'm sorry, वो आपके पहनावे को देखकर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या कहा आपने? मेरे पहनावे को देख के आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? आप एक प्रिंसिपल है, आपको बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन आपने क्या किया?
आपने उनको अलग कर दिया ये बोल के कि तिलक लगाना अच्छी बात नहीं है, जय श्री कृष्णा बोलना अच्छी बात नहीं है। पता, स्कूल भी एक शिक्षा का मंदिर है। मंदिर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि बच्चे कुछ सीखते हैं, और आप जैसे टीचर अगर यहाँ होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। आप जैसे टीचर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा आप अच्छे हैं, तभी तो आपको यहाँ बुलाया गया था ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार दे। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो बच्चों को गलत शिक्षा दी, और आपने क्या कहा था कि मैं किसान हूँ। आप बता सकते हैं किसान होने में क्या प्रॉब्लम है? बताइए, आप खाना खाते हैं ना, खाना वो कहाँ से आता है? किसान उगाते हैं। आप भले पैसे वाले अमीर हो, लेकिन अन्न को आप खरीद सकते हैं, उगा नहीं सकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत किसान करता है। इसलिए आप किसी भी किसान के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनको नीचा दिखाना चाहिए। अगर मेरी जगह आज कोई और होता तो शायद आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होता। बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और फिर उनको इस स्कूल में एडमिशन मिलता है। उनका सपना होता है कि किसी बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन आप उन बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। आपको लगता है कि जो अमीर बच्चे होंगे उनको ही ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, इन बच्चों को कुछ नहीं। बताइए, लेकिन आज जब आपको पता चला कि मेरी बेटी है, तब आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है, आपने बहुत गलत किया है, आपने मुझे अनपढ़ कहा, लेकिन सही मायने में आप अनपढ़ है। पता है क्यों? आपको आपका इतिहास पता है, हमारा इतिहास पता है, हमारी संस्कृति पता है? आपको कैसे पता होगा? वेस्टर्न कल्चर में हम इतने डूब चुके हैं कि हमें हमारा इतिहास ही याद नहीं है। हम कौन थे, हम कहाँ से आए, हमें कुछ नहीं पता है। हमें बस आज की मॉडर्न चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, और आपकी इसी गलती को देखते आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना, वरना आप दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। सर प्लीज़, दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो गया, इंटेंशनली नहीं हुआ सर। ये झूठा दिखावा मेरे सामने मत कीजिए, मुझे पता है आप कैसे हैं। इतनी देर से आप मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, उसके लिए मैं आपको माफ़ कर दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए मैं आपको माफ़ भी कर देता। लेकिन आपने पता है क्या किया है? आपने हमारी संस्कृति को नीचा दिखाया है, उसको गलत कहा है। इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। और वैसे भी हमें आप जैसे प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। कल से आपको स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सुना नहीं? निकालिए इसे यहाँ से। नहीं सर। मैंने कहा ना एक बार, निकालिए इन्हें। आई एम सॉरी मैम। जाओ, ले जाओ। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही देश में रहकर अपने संस्कृति का, अपने इतिहास का मजाक बनाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी आप ये मत भूलिए कि आपका इतिहास क्या, आपकी संस्कृति क्या है। हमारा इतिहास हमेशा से ये रहा है, तो प्लीज़ कभी भी इसका मजाक ना बनाए, रिस्पेक्ट करें और सभी मिलजुल के रहें। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म का, अपने संस्कृति का मजाक बनाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना करें, सभी के धर्म की रिस्पेक्ट करें, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए और संस्कृति की, इतिहास की रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।